नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन हमारा डिफाइन कोई विषय का फ्रिक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट 12 रिपीटेड बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई विषय का फ्रिक्शन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन दैट इज F टू द नॉर्मल रिएक्शन एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये ऐसे रेशियो होता है, लिमिटर फ्रैक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का एक रेशियो होता है, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए देयरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू म्यू आर, देयरफॉर एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू, हेंस म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। ये आपको मेंशन करना जरूरी है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, एफ की वैल्यू चेंज हो गई तो आर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, डिपेंडेंट होते हैं। एफ इज इक्वल टू म्यू आर, इस पे से हमें म्यू मिलता है एफ अपॉन आर, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। म्यू मतलब ही क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशियो ऑफ एफ अपॉन आर। डेफिनेशन देखिए, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन एफ मतलब लिमिटिंग फ्रैक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों को रेशियो को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस म्यू। तो म्यू होता है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।